छात्रों, आज मैं आप लोग को केमिकल काइनेटिक्स में आप लोग को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला बतलाए थे कि रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है। तो के बराबर बतलाए थे क्या, 1 by T ln R0 by R, ये आप लोग को बताया गया था। इसी को हम लोग क्या करते हैं, लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि लॉग में ये किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। तो ln को लॉग में बदलना रहे, ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए, लॉग में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 2.303 से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। मतलब ln को जब भी लॉग में बदलना रहे, लॉग का दो फॉर्म होता है, एक ln फॉर्म और सेकेंड होता है लॉग फॉर्म। तो लॉग में बदलना चाहते हैं तो जब ln रहे और उसको लॉग में बदलना, तो लॉग में क्या करना पड़ेगा, 2.303 से गुना करना पड़ेगा ln से लॉग में बदलने के लिए। लॉग से ln में बदलने के लिए 2.303 से भाग देना पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग ln है तो इसको लॉग में बदलना चाह रहे हैं, तो 2.303 से क्या करना पड़ेगा, गुना। तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 by T, ln के जगह पर log लिखा जाएगा, log R0 by R। तो यहां से हम लोग क्या देखे, ln के रूप में k का फॉर्मूला और log के रूप में k का फॉर्मूला। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग का k का मतलब रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां से हम लोग देखे, ये ln के रूप में, ln में बेस जो है e रहता है और लॉग में बेस हम लोग 10 मानते हैं। लॉग का बेस क्या होता है, आप लोग लॉगरिथम लॉगरिथम फंक्शन के बारे में मैथ में पढ़े होंगे। अब मैं आप लोग को बतलाने जा रहा हूं कि आफ्टर टाइम T1 एंड T2 कंसंट्रेशन R1 एंड R2 रहेगा तो हम लोग K का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दिया रहे, R0 नहीं दिया रहे, इसके पहले हम लोग जितना फॉर्मूला निकाल रहे थे R0 पर निकाल रहे थे, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब R0 नहीं दिया रहे, उसके बदले क्या रहे, एट टाइम T1 और T2 का कंसंट्रेशन दिया रहे। टाइम T1 का कंसंट्रेशन R1 और टाइम T2 पर कंसंट्रेशन R2 दिया रहे, तो हम लोग K का वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। तो हम क्या देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बी नो दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग क्या बतलाए थे आप लोग को, ln R बराबर -KT या प्लस ln R0, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन के बाद आप लोग को आया था। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे थे तो यहां से ln R बराबर -KT प्लस ln R0 हम लोग लाए थे। यहां से हम लोग क्या करते हैं, T1 टाइम के लिए निकालते हैं, एट टाइम T1, तो T1 के लिए क्या हो जाएगा, ln R के जगह पर क्या भराएगा, R1। तो ln R1 बराबर -KT1 अब प्लस, ये तो इनिशियल वैल्यू R0 ही रहेगा, R0। नेक्स्ट इसको मानते हैं इक्वेशन 1, एट टाइम T2 पर क्या हो जाएगा, ln R2 बराबर -KT2 प्लस ln R0, ये इक्वेशन 2 हम लोग देखेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 में क्या पता चल रहा है कि ये टाइम T1 पे आया इक्वेशन और ये टाइम T2 का इक्वेशन है। यहां से अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2 करते हैं, मतलब 1 में 2 को सब्सट्रैक्ट घटाते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो रहा है, चिन्ह को बदलना पड़ेगा, यहां पर माइनस करना पड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ln R0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब माइनस कर रहे हैं तो सेकेंड इक्वेशन में चिन्ह बदलना है, तो जो प्लस में माइनस, जो माइनस में प्लस, तो यहां से देखिए क्या हो रहा है हम लोग का, ln R1 माइनस ln R2, इधर क्या आ रहा है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो KT2 माइनस के
टी वन, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एलएन में जब माइनस रहता है तो क्या बतलाए थे कि डिवाइड में चला जाता है तो क्या हो जाएगा, एलएन आर वन बटे एलएन आर टू। तो जब ए माइनस में रहे तो डिवाइड में चला जाता है, प्लस में रहे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यहां से के कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा टी टू माइनस टी वन। यहां से हम लोग को के क्या आया, के बराबर, यहां से के अब हम लोग को निकालेंगे, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन डिवाइड में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा वन बटे टी टू माइनस टी वन एल एन आर वन बाई आर टू, आर वन बाई आर टू। तो ये हम लोग का क्या आया, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का जरूरत नहीं पड़ा। जब दो टाइम दिया हुआ रहे या उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ रहे तो हम लोग क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं आप लोग को केवल टोटल का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, इसके बाद जो वीडियो में टोटल पर आधारित न्यूमेरिकल बतलाया जाएगा। इसी को यदि लॉग में बदलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, के बराबर एलएन को लॉग में बदलने के लिए बतलाए थे 2.303 से गुना करेंगे तो ये क्या चीज बदल जाएगा, लॉग आर वन बाई आर टू, अब बटा में क्या रहेगा टी टू माइनस टी वन। तो ये हम लोग क्या देखे, आफ्टर टाइम टी वन एंड टी टू कंसंट्रेशन आर वन आर टू दिया रहेगा तो वैल्यू ऑफ के मतलब क्या निकाल, मतलब वैल्यू ऑफ के हम लोग को निकालना रहेगा। इसी में हम लोग ये फॉर्मूला कब लगाया जाएगा, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट गिवेन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर क्या रहेगा, नहीं दिया हुआ रहेगा, देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, मतलब इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ के निकाल सकते हैं। तो क्या देखेंगे, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर मतलब रिएक्टेंट, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नॉट गिवेन देन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, मतलब यदि प्रारंभिक, यदि अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण नहीं दिया रहे तो इस इक्वेशन की सहायता से के मान का निर्धारण किया जा सकता है।